हेलो एंड वेलकम टू एफ हिंदी तो गाइड्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू किल एडम और लॉक यस इसको मारना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है आप ये वाला लाइव स्ट्रीम देखो आपको समझ में आ जाएगा भाई सब मैं परेशान हो गया था मतलब पूरे दो घंटे तक मैंने अपने सभी कैरेक्टरों को यूज कर लिया टीयर फोर एडम के खिलाफ और टीयर फोर एडम मेरे सारे कैरेक्टर को मार रहा है मतलब एकदम से परेशान हो गया था भाई लेकिन 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 ये दो घंटे के लाइव स्ट्रीम से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले मैंने वहाँ से कुछ पॉइंट निकाले और मुझे कुछ जानकारी मिला है जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कैसे आप एडम और लॉक को मार सकते हो यस देखो इसको बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे डैमेज दे दिया है इसके सेकंड स्किल में मतलब सेकंड स्किल से वन शॉट कर देता भाई सारे कैरेक्टर को और देखो इसका जो टी ए टू पैसिव है ना इसके पास में हमेशा पेनिट्रेशन रहता है अगर आप आई फ्रेम से बाहर गए तो ये किसी भी स्किल से आपको मार सकता है चाहे फाइव स्किल हो चाहे फोर स्किल हो कोई भी स्किल से आपको मार सकता है तो आपको आई फ्रेम से बाहर नहीं जाना है ठीक है देखो तो तो इसकी सर्वाइबिलिटी भी बहुत तगड़ी है अगर सामने वाले एडम के पास में आर्टिफैक्ट है और टीयर फोर है तो भाई साहब लगभग पाँच छः परसेंट रिकवर करेगा हर सेकेंड तो रिकवरी भी इसके पास में है डैमेज भी इसके पास में है सब कुछ है बहुत ही तगड़े लेवल पे इसको बना दिया इतना मतलब एक एक हिसाब से समझ लो तो ओवर ओवर पावरफुल बना दिया है टाइम लाइन बैटल के लिए जिसकी वजह से नए प्लेयर या फिर फिडू टुप्ले प्लेयर या फिर जिसके पास में एडम नहीं है वो अभी टाइम लाइन बैटल में जाने से डर रहे हैं लेकिन एक कमी है एक कमी है इसके अंदर अंदरवाइज़ जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो और इसको आप मार सकते हो कौन सी कमी है देखो इसके कहीं पर भी किसी भी स्किल में गार्ड ब्रेक या फिर सुपर गार्ड ब्रेक नहीं है सिवाय सेकेंड स्किल के yes, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्किल में इसके है सुपर गार्ड ब्रेक आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी और किसी भी स्किल में गार्ड ब्रेक या फिर सुपर गार्ड ब्रेक नहीं है तो आप अगर अपने कैरेक्टर को रीजेनरेशन या फिर रिफाइनमेंट से बिल्ड करते हो यानी कि एच तगड़ा दे देते हो तो फिर आपका कैरेक्टर मार सकता है इसको अगर आपका कैरेक्टर नहीं मरा सेकेंड स्किल से ठीक है क्योंकि ये आपको फंसाएगा नहीं आपको गार्ड ब्रेक नहीं करेगा ना ही आपके स्किल को सुपर गार्ड ब्रेक करेगा और हाँ लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि देखो काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई बिल्ड कैसे करना है एडम ऑलॉक जिसके पास में एडम ऑलॉक है एडम ऑलो सुन लो अगर आपके पास आर्ट है एडम का आर्ट है तो आप माइटी ग्रीड दे सकते हो वाला इफेक्ट जो मिलेगा उससे आप सुपर गार्ड ब्रेक नहीं होगे और जिंदरे के खिलाफ भी अच्छे से खेल पाओगे और गौर के खिलाफ भी अच्छे से खेल पाओगे लेकिन अगर आपके पास आर्ट नहीं है तो आप इसको जितना ज्यादा पावरफुल बना सकते हो बनाओ लाइक सी टी ऑफ एनर्जी दे दो ताकि ये वन शॉट कर दे आते ही निपटा दे सामने वाले को क्योंकि फिर आपके पास मौका नहीं है बचने का ठीक है या तो आप मारोगे या मर जाओगे तो यस एडम के बारे में समझ में आ गया चलो मैं आपको टीम बता देता हूं कौन कौन सा टीम आप यूज कर सकते हो एडम और लॉक मारने के लिए या फिर इस वीक या फिर हर वीक टाइम लाइन बेटल में देखो जीन ग्रे क्लोसिस और हेला अगर आपके पास में है तो आप ये टीम यूज कर सकते हो ये बेस्ट रहेगा अगर आपकी जीन ग्रे पीवीपी बिल्ड है लाइक अगर आपकी जीन ग्रे के पास में रिफाइनमेंट है माइटी वाला या फिर ग्रीड है या फिर एथोरिटी है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो सोलो मतलब पूरा डिपेंड करके कि मतलब जीन ग्रे मरी तो हमारा टीम ख़त्म हम हार जाएंगे ये सोच के अगर आप बिल्ड करना चाहते हो टीम तो इस तरह से टीम बिल्ड कर सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पे हेला हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके यूनिफॉर्म इफेक्ट में 50 परसेंट डैमेज इंक्रीज़ टू सुपर हीरो है आप यहाँ पे देख सकते हो 50 परसेंट सुपर हीरो के खिलाफ डैमेज इंक्रीज़ मिलेगा और 30 परसेंट डैमेज रिडक्शन मिलेगा तो मतलब एडम को जल्दी से मार मार सकते हो और एडम आपको मार भी नहीं पाएगा मतलब तीस कम डैमेज देगा तो आप इस वजह से हेला को लगा सकते हो बाकी देखो हेला के पास में भी ना काउंटर अटैक है थर्ड स्किल में तो कभी कभी ये किसी किसी कैरेक्टर को मार भी देती है अगर आपने डिस्ट्रक्शन लगाया है और इसका आर्ट इफेक्ट है आपके पास अगर आर्ट इफेक्ट है तो ये टाइम भी दे देगी आपके स्किल को रेडी होने में टाइम मिल जाएगा तो यस ये वाला टीम हो गया बाकी देखो गौर अगर आपके अच्छे से बिल्ड है तो फिर आप गौर को यूज़ कर सकते हो बाकी गौर सिर्फ़ और सिर्फ लेके मत जाना भाई गौर के साथ में एक और कैरेक्टर ले लेना नहीं तो फिर गौर निपट गया तो फिर समझ लो ख़त्म हो जाएगा टीम पूरा खत्म हो जाएगा हाँ अगर आपका बहुत तगड़े लेवल पे बिल्ड है तो फिर आप गोर को भी इस्तेमाल कर सकते हो सिंगल ऐसे ही जैसे जिन को उसे गोर को ठीक है बाकी आप चाहो तो यहाँ पे कलोसिस के जगह पे हल्क लगा सकते हो या फिर कलॉसिस के हेला के जगह पे हल्क लगा सकते हो ठीक है हल्क को भी आप यूज कर सकते हो देखो मैं यहाँ पे हल्क रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखो सिर्फ़ और सिर्फ एडम तो टीम में रहेगा नहीं जो सामने से आएगा वहाँ से गौर भी आ सकता है साथ में और जीन भी आ सकती है साथ में उसके बाद में थेनोस भी आ सकता है साथ में हल्क भी आ सकता है साथ में तो हल्क सारे कैरेक्टर को मार सकता है लाइक like, देखो गौर को भी मार सकता है तीनगरे को भी मार सकता है हल्क को भी मार सकता है ठीक है तो हल्क काफ़ी सारे कैरेक्टर को मार देगा बाकी अगर आपको एडम मारना होगा तो आप गौर को इस्तेमाल कर सकते हो और हल्क भाई तो निपट जाता है एडम के सामने तो अब देखो अगर आपके पास गौर भी नहीं है तो आप सिल्वर सर्फर लगा सकते हो यहाँ पे इस जगह पे लीडरशिप में बाकी देखो यहाँ पे हल्के के जगह पे आप चाहो तो स्पाइडर मैन लगा लो सबसे बेस्ट रहेगा ये वाला टीम सबसे बेस्ट रहेगा फॉर नाउ एडम को मारना हो या फिर जीन को मारना हो या फिर गोर को मारना हो या फिर हल्क को मारना हो सारे कैरेक्टरों को आप इस टीम से मार सकते हो के तो पास गोर नहीं है या फिर जीन गिरे नहीं है यस इस वाले टीम से आप आराम से मार सकते हो देखो इसके पास में डबल लाइफ है तो ये मर भी गया तो फिर से ज़िंदा होगा और फिर से ज़िंदा होकर फिर से मरेगा तब तक स्पाइडरमैन का फोर स्किल फाइव स्किल सब स्किल रेडी हो जाएगा और स्पाइडर मैन को यूज करके आप सारे कैरेक्टर को मार सकते हो लाइक जीन को भी मार सकते हो गौर को भी मार सकते हो हल्क को भी मार सकते हो और एडम को भी मार सकते हो एकलावता यही कैरेक्टर है जो एडम को मार सकता है अच्छे से लाइक भरोसा कर सकते हो कि हाँ मेरे पास स्पाइडरमैन है सामने एडम आ रहा है तो हम मार देंगे अगर आपको एडम ओलॉ को मारना है तो फिर आपको स्पाइडरमैन को देना होगा सी टी पी ऑफ रीजनरेशन या फिर रिफाइनमेंट यस गाइड चाहे आप रिफाइनमेंट दू या फिर रे दो इसको चाहिए सर्वाइबिलिटी इसको चाहिए एच और यहाँ पे आप देख सकते हो एच पी भी मिल रहा है क्रिएट आ सील इक्वल टू पैंतीस परसेंट ऑफ एच पी मिल रहा है जो कि हेल्प करेगा इसको जिंदा रहने में और अगर ये जिंदा बच गया एडम के सामने तो ये मार सकता है एडम और ओलव को आराम से और औरलौता यही कैरेक्टर है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ स्पाइडरमैन है तो हम एडम और ओल्ल को मार सकते हैं और अगर आपके पास में आर्ट है इसका तो और ज़्यादा सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि डॉज है इसके आर्ट में अभी मैं इसी स्पाइडरमैन से आपको एडम ओलॉक मार के दिखाऊंगा ये देख लो आप इसका बिल्ड देख लो ठीक है यहाँ पे मैंने इसको सी टी पी ऑफ रेज दिया है बाकी मिथिक है यूनिफॉर्म और गाइज मैंने यहाँ पे ये वाला मैं टीम यूज कर रहा हूँ ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो जीन ग्रे के पास में सी टी पी ऑफ रेज है तो यस इसको मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मान लो कि दूसरा कैरेक्टर कोई आ रहा है सामने तो मैं जीन ग्रे को यूज करके मार पाऊँ हालाँकि देखो मैं गौर भी यूज कर सकता था लेकिन गौर का जो लीडरशिप है ना वो अप्लाई नहीं होगा स्पाइडरमैन पे मतलब रिमूव आल डिबफ नहीं मिलेगा ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पे जीन यूज़ कर रहे हैं अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सिल्वर सर्फर यूज़ कर सकते हो इसलिए मैंने बोला था सिल्वर सर्फर आप यूज़ कर सकते हो किस क्योंकि इसका रिमूव आल डिबफ भी मिलेगा स्पाइडरमैन को और ये भी रिफ्लेक्ट करके मार सकता है जीन को भी और उसके बाद में एडम को भी ठीक है चलो मैं आपको कुछ मैच दिखा देता हूँ खेल के आपको तब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मार सकते हैं स्पाइडरमैन से या नहीं मार सकते और हाँ गाइज़ मैच खेलते वक्त आपको दुआएं भी करते रहनी है साथ में कि हे स्पाइटर देवता या फिर हे भगवान मतलब जो भी जिस कॉड को भी आप प्रे करते हो आपको दुआएं भी साथ में करते रहना है कि हम मैच जीत जाएं और हम मार दें कैरेक्टर को लाइक ठीक है मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना कैमरा ठीक है रहने तो कोई बात नहीं नहीं हिल रहा तो मैंने सोचा यार कैमरा इधर कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे हम स्विच करने वाले हैं स्पाइडर मैन यस मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि स्पाइडर मैन से ही मारूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैच में स्पाइडर मैन से ही जीतूँ तो यस एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे मार दिया है और यस ये ऑटो पे चल रहा है जी ऑटो पे चल रहा है मैं मैनुअल नहीं खेल रहा हूँ अभी मैं मैनुअल भी खेल के दिखा दूँगा देखो ऑटो पे मार रहा है स्पाइडर मैन तो मैनुअल पे भी मारेगा आ, हाँ मतलब ठीक है थोड़ा सा खुशी हुई यहाँ पे जीत के लाइक भाई लाइव स्ट्रीम में तो दिमाग खराब हो गया था मैं कजन से बता रहा हूँ एक बार लाइव स्ट्रीम देखो यार मज़ा ही आ जाएगा आपको ठीक ठीक है मैं फिर से एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल करके देख लेता हूँ लाइक एडम के खिलाफ डायरेक्ट उतारेंगे ए, स्पाइडर को फिलहाल यहाँ पे सूरी मार रही है सूरी मार रही है जीनगरे को हाँ मतलब ठीक है मैंने इसके लिए यूज नहीं किया था <laughs> कोई बात नहीं कोई बात नहीं ओके और स्पाइडरमैन स्विच एंड यस 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 ठीक है ओके एक बार मार दिया अभी देखो यहाँ पे है ना ये फोर्थ स्किल में मूवमेंट है जो इसका स्पाइडरमैन का वो हेल्प करता है वो बचने में ओ भाई यार कोलोसिस लॉर्ड कोलोसस तो फोर्थ स्किल एडम और लॉक के सेकेंड स्किल से बचने में मदद करता है क्योंकि उसमें मूवमेंट है ये ऐसा कूदता रहता है ना इधर उधर कूदता रहता है तो वो थोड़ा हेल्प कर देता है और एक बार जब एडम मर जाए उसके बाद में जब दोबारा आपको स्पाइडरमैन से खेलना हो ना मतलब दोबारा ज़िंदा हो जब एडम तो पहले फाइव यूज स्किल इस, यूज़ इस कर लो और उसके बाद में फोर स्किल यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहता है लाइक इम्यूनिटी वगैरह आ जाता है उसमें फ़ाइव स्किल में तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ओके यहाँ पे गोमी हाँ ठीक है ये लेवल एट्टी वाला है तो इसके खिलाफ खेल लेते हैं देखो यहाँ पे हम लेवल एट्टी टीयर फोर खेल रहे हैं सेवेंटी वाले कैरेक्टर से नहीं खेल रहे हैं मतलब सेवेंटी वाले के खिलाफ नहीं खेल रहे कोशिश कर रहे हैं कि एट्टी या फिर टीयर फोर हो ओ माय गॉड जीन को मारना ओ भाई साहब यार ये मतलब ठीक है यार पीपी वाली जीन बहुत तगड़ी है भाई ये पीपी और पी ई ई दोनों वाली जीन बहुत तगड़ी है मतलब अपने अपने ग्रुप में ठीक है हम यहाँ पे जीन को भी मारेंगे स्पाइडरमैन से देखो यार यही यही मैं बोल रहा था कि स्पाइडरमैन से आप जीन को भी मार सकते हो और एडम को भी मार सकते हो लेकिन स्पाइडरमैन को कैसे मारोगे फिर आ के सेकेंड स्किल से भी मार दिया नाइस एंड यहाँ पे फाइव यूज़ करेंगे उसके बाद में फोर देखो यहाँ पे बच गए हम एडम से और अगर आप एडम से बच गए तो भाई आप मार दोगे आराम से यहाँ पे हमने जुगाड़ लगाया क्ल स्विच कर लिया ताकि इस्पाइडर मैन हमको मार ना पाए और यस फाइनली हम यहाँ पे जीत गए मैच ये देखो मैं ना ऐसा जीत जीतने वाला जीतने वाला मैच नहीं दिखा रहा हूँ आपको अगर आप लाइव स्ट्रीम देखोगे तो उसमें आपको लगेगा भाई ये तो हाउ टू हाउ टू लूज़ अगेंस्ट एडम और लॉक चल रहा है यहाँ मैं जब खेल रहा था ना बिहाइंड द सीन मतलब ऑफ़ स्ट्रीम तो सच बता रहा हूँ मैं ऐसा एक ऐसा नहीं है कि मैं एक बार हार गया उसको कट करके मैं जीत जीता हुआ मैच आपको दिखा रहा हूँ नहीं भाई ये डायरेक्ट खेल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है खेल रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ हार नहीं रहा अभी तक एक मैच भी नहीं आ रहा है सच में बता रहा हूँ तो हाँ तो थोड़ी खुशी हो रही है कि हाँ मतलब कम से कम ऑफ़ स्ट्रीम तो जीत रहा हूँ मैं ठीक है <laughs> लाइव स्ट्रीम में तो कट ही गया था भाई <laughs> लाइव स्ट्रीम में तो कट गया था मेरा ओके तो यार पीपी वाली जीन रहती तो अच्छा रहता लेकिन फिर भी हम गौर को मार दिया यहाँ पे। और यस मैनुअल खेलोगे तो आप रेज के साथ में भी थोड़ा बहुत काम आ, में ला सकते हो जीन ग्रे को जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जीन ग्रे के खिलाफ जीन ग्रे और ये थ्री ओके ठीक है तो यस आप यहाँ पे देख सकते हो जीन ग्रे भी मर गई गौर भी मर गया और ये एड एडम भी ओके okay, वाट जिन भी अच्छा स्विच हो गई यार ऑटोमेटिक ठीक, ठीक है चलो ठीक है ओके तो गाय जहाँ पे देख सकते हो अगेन फिर से हम जीत गए हैं एक मैच और बहुत अच्छा लगा भाई लगातार मैं जीतता जा रहा हूँ सच बता रहा हूँ मैंने कट वट नहीं किया कुछ भी नहीं किया भाई मज़ा आ रहा है बस समझ लो <laughs> एक मैच और खेलेंगे नहीं इसके खिलाफ नहीं खेलेंगे आ, अबे इसमें तो है ही नहीं एडम ओके इसमें नहीं यार ये सेवेंटी वाला है एट्टी वाला आ, इसके खिलाफ खेला था ना गोरा और वो ठीक है आ, नहीं नहीं सेवेंटी पे है एंड अबे कोई तो आ लेवल एट्टी वाला या फिर टीयर फोर वाला भाई अबे थेनोस और नहीं यार सेवेंटी पे भाई ओके तो ये वाला टीम मतलब हाँ ठीक है ख़तरनाक है भाई थेनोस टीयर फोर एडम टीयर फोर जीन ग्रे टीयर फोर ओह माय गॉड तबाही वाली टीम है लेकिन ठीक है देखते हैं क्या होता है हाँ मतलब सेम ही आटो करेंगे लाइक पूरा मैनुअल भी नहीं करेंगे फावड़े से मार रहा है फावड़े से मार ओ, नहीं 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 तेरोस ओके मर गया तेनोस ठीक है <laughs> अबे कैमरा भाई पता ही चल रहा कौन मर रहा कौन जिंदा है ठीक है एडम ओके बाय बाय टाटा एडम एंड फाइव फोर एंड मर जा भाई एडम क्या कर रहा ओके नाइस नाइस आ, ओ नहीं सेकेंड स्किल से मार दिया इसने ठीक है ओ जीन ग्रे सुपर गार्ड ब्रेक सुपर गार्ड ब्रेक भाई बहुत गंदी करती है यार जीन ग्रे ठीक है हार ओ माय गॉड हार गए तो कोई बात नहीं हार गए मैच लेकिन हमने एडम को मारा स्पाइडर मैन से एडम को मारा ठीक है ये आपने इसमें देखा होगा इसमें नोटिस किया होगा तो बस गया इस वीडियो में इतना ही आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एकलौता एक ही कैरेक्टर है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो एडम को मारने के लिए वो है स्पाइडरमैन और हाँ अगर आपके पास ग्रे नहीं है तो लीडरशिप में आप लगा सकते हो सिल्वर सर्फर बाकी और कोई भी उम्मीद नहीं है कुछ किसी, किसी भी कैरेक्टर से उम्मीद मत रखना तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप कि अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा लाइक कर देना चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर